नमस्कार, मैं हूं अक्षय चव्हाण और आज हम जानेंगे महाराष्ट्र के सांगली रियासत की कहानी। महाराष्ट्र की सांगली रियासत ये कोल्हापुर के बाद दूसरी सबसे बड़ी रियासत थी। सांगली रियासत का महत्व इस कारण से है कि यहाँ के जो राजा थे, जो पटवर्धन राज परिवार से थे, उन्होंने मराठी कला, सभ्यता, संस्कृति को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। सांगली रियासत का इतिहास का कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए हमें पूर्व इतिहास में जाना बहुत जरूरी है। अब सांगली जो इलाका है वो सातारा और कोल्हापुर के बीच में आता है। यहाँ पे कृष्णा वारणा जैसी नदियां हैं और इनफैक्ट ये महाराष्ट्र का सबसे फर्टाइल इलाकों में से एक है। यहाँ पे गन्ने की खेती बहुत होती है और ये बहुत ही अमीर और समृद्ध इलाका है। और ये जो नासिक, पूना, सातारा, कोल्हापुर और जो दक्षिण के जो शहर है ये उस रूट पे आता है, तो इसकी वजह से ये एक व्यापारी मार्ग था। और मिरज जो अराउंड 10 किलोमीटर है सांगली से, वो एक मेन ठिकाना हुआ करता था और मिरज जो था वो बाजार पेट हुआ करती थी। तो ये हमें ये रेफरेंस मिलता है कि मिरज ऑलमोस्ट 10वीं शताब्दी से एक महत्वपूर्ण बाजार पेट थी और वहां पे एक किला भी है जो बहामनी काल का किला है। और तो ये अलग अलग राजाओं के अधीन रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अपने स्वराज्य अपने राज अपने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की तो उन्होंने जो काफी जो टेरिटरी थी वो बीजापुर के आदिल शाह से उन्होंने कैप्चर की। तो उस समय उन्होंने ये जो इलाका है उसकी जो काफी एरियाज है उस पर उन्होंने अपना राज्य स्थापन किया। शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज हुए। संभाजी महाराज की उनका कार्यकाल रहा, अनफॉर्चुनेटली उन्हें बहुत क्रूर तरीके से बादशाह औरंगजेब ने उनको पकड़कर क्रूर तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। और फिर जो मराठा कैपिटल था रायगढ़ वो मुगलों के अंडर आया। अब ये मैं सारी आपको बातें ये आपको समझा रहा हूं कि ये जो रियासत है उसका उसकी एक शुरुआत कैसे हुई। तो एक्चुअली ये जो सांगली रियासत है उसकी शुरुआत उसका एक राइज का एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है पेशवा परिवार के साथ। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो छत्रपति संभाजी महाराज है उनका निधन हो गया और रायगढ़ पर मुगलों का कब्जा हो गया। तो जो संभाजी महाराज है उनके जो बड़े बेटे थे शाहू, जो शाहू ऑफ सातारा, वो बहुत कम उम्र के थे और उन्हें दिल्ली ले जाया गया था। औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली ले जाया गया, बंदी बनाकर उन्हें, बंदी मतलब एक मुगल कैंप में ही वो रहते थे। अब जब 1700 में 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन हो गया तो उन्हें शाहू को दिल्ली से छोड़ा गया। जब वो दक्षिण में आए शाहू महाराज तो उस समय जो मराठा साम्राज्य है वो तारा रानी जो उनकी चाची थी वो संभालती थी। तो उस समय एक मराठों में एक सिविल वॉर शुरू हुआ कि शाहू के सपोर्टर और तारा रानी के सपोर्टर। तो जो शाहू के जो सबसे मेन ऑफिसर थे वो थे बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ ने ये चालाकी से एक सारे तारा रानी के सरदार अपनी तरफ कर लिए। तो सांगली का जो एरिया है जो तारा रानी के पास था वो शाहू ने टेक ओवर कर लिया और तारा रानी को कोल्हापुर शिफ्ट होना पड़ा। और फिर समय के साथ देयर वाज समथिंग नोन एज द ट्रीटी ऑफ वारणा। ट्रीटी ऑफ वारणा ये था कि जो वारणा नदी है जो सांगली डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है तो उसके दक्षिण का इलाका बनेगा कोल्हापुर रियासत और उसके उत्तर का जो भी इलाका है वो जो सातारा के छत्रपति है ये उनके अधीन होगा। और सातारा के छत्रपति के कंट्रोलर्स कौन थे? पेशवा परिवार। बालाजी विश्वनाथ के बाद उनके बेटे द फेमस बाजीराव पेशवा बने। उनका महल था शनिवारवाड़ा। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो पेशवा बाजीराव थे उनकी एक बहन थी अनुबाई। अनुबाई जो थी वो कोल्हापुर के पास एक जगह है इचलकरंजी जो अपने पावर लूम्स के लिए बहुत फेमस है। वहां पे इनफैक्ट
एक महल भी है, तो वो एक छोटी सी जागीर हुआ करती थी एक ब्राह्मण परिवार की, तो वहां की वो रानी थी अनुबाई घोरपड़े। और उनके घर में जो अनुबाई है बाजीराव की बहन, पेशवा बाजीराव की बहन, उनके घर में एक उपाध्याय थे जो थे हरभट्ट, हरभट्ट पटवर्धन, जो कोकण के एक गांव से आए थे। तो बिकॉज वो ये जो हरभट्ट है, हरभट्ट पटवर्धन, ये उपाध्याय का काम करते थे बाजीराव की बहन के घर में, तो उनका और पेशवा परिवार का मेलजोल बढ़ने लगा और इसी से शुरुआत हुई द राइज ऑफ द पटवर्धन फैमिली की। हरभट्ट बाबा के बाद उनके संबंध तो अच्छे ही रहे, तो पटवर्धन परिवार जो है वो इचलकरंजी से निकलकर वो पूना दरबार में सर्विस के लिए चला गया। गणपत राव और गोपाल राव पटवर्धन जो थे वो उनके नाना साहब जो पेशवा बाजीराव और काशीबाई के जो पुत्र थे उनके साथ अच्छे संबंध थे, और ये जो गणपत राव और गोपाल राव पटवर्धन हैं उन्हें पेशवाज ने डिसाइड किया कि हम उन्हें दक्षिण में भेजेंगे। तो ये जो हरभट्ट बाबा है वो बिकॉज बाजीराव की बहन के घर में उपाध्याय का काम करते थे, तो इसकी वजह से पटवर्धन परिवार और पेशवा परिवार के जो संबंध थे वो बहुत घनिष्ठ हो गए। और हरभट्ट बाबा के बाद उनके जो बेटे थे गोविंद राव और गोपाल राव, ये दोनों पेशवा दरबार चले गए पूना में सर्विस के लिए। अब बाजीराव के जो बेटे थे नाना साहब, उनके टाइम पे ये जो दोनों पटवर्धन भाई हैं वो दक्षिण में उन्होंने काफी कैंपेन्स किए। उस समय कैसे था कि जो सिंधिया है, होलकर है, गायकवाड़ है, वो गुजरात, मालवा और जो उत्तर हिंदुस्तान है वहां के जो कैंपेन्स है वो देखते थे, और जो दक्षिण के जितने भी कैंपेन्स है, हैदराबाद के अगेंस्ट, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, वो सारे पटवर्धन देखते थे। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी दक्षिण में उस समय एक बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी सवानूर करके, जो मैसूर के उत्तर में स्थित थी। तो इस रियासत पर ये जो पटवर्धन भाई हैं उन्होंने बहुत बड़ा हमला किया। दक्षिण में जो मराठों की जो मतलब पेशवा आर्मी की जो विजय हुई उसमें पटवर्धन, इन दो पटवर्धन भाइयों का बहुत बड़ा हाथ था। और उसके बाद उनके कजिन, रिश्तेदार, ये सब भी आर्मी में आने लगे, और एक जैसे हम बोलते हैं ना एक जॉइंट फैमिली एंटरप्राइज, तो वैसे उनका साउथ में एक कैंपेन शुरू हुआ। उसके बाद जैसे वो सारे जंग जीतने लगे तो उनको जागीरें भी मिलने लगी। फॉर एग्जाम्पल जो परशुराम भाऊ पटवर्धन है उन्होंने जो दक्षिण में काफी जो टीपू सुल्तान हैदर अली के समय में उनके साथ काफी लड़ाइयाँ की। चिंतामण राव पटवर्धन द फर्स्ट है, उन्होंने टीपू सुल्तान, अगेन टीपू सुल्तान के खिलाफ बहुत लड़ाइयाँ की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आर्थर वेलेस्ली द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन दक्षिण में थे और जब टीपू सुल्तान हार गया था, तो धुंडिया वाघ करके एक बहुत फेमस डाकू था जो अंग्रेजों को भी तंग करता था और मराठा टेरिटरीज को भी बहुत लूटता था, तो जो सांगली के पटवर्धन है और द फेमस ड्यूक ऑफ वेलेस्ली जिन्होंने आगे जाके नेपोलियन को हराया, तो उन्होंने मिलकर इस फेमस ढोंडियावाग डाकू का खात्मा किया। पटवर्धन परिवार का उदय एक्चुअली अगर हम देखें द मिटियोरिक राइज हम बोल सकते हैं 1760s के बाद होता है। तब क्या होता है कि जैसे एक फेमस लोग तो सब जानते हैं कि पानीपत की लड़ाई हुई, उसमें काफी जो पेशवा के सरदार थे वो मारे गए, सदाशिव राव भाऊ, विश्वास राव और जो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द पेशवा कोर्ट मारे गए। तो उसकी वजह से जो पेशवा थे पुणे के उनके पास सरदार और एलाइज बहुत कम थे, उसकी वजह से पटवर्धनों का इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा। दूसरा कारण ये था कि जो राघोबा दादा थे, जो पेशवा माधव राव के जो चाचा थे, उनमें और पेशवा माधव राव में बहुत झगड़ा होने लगा। तो तब पटवर्धन जो है उन्होंने पेशवा माधव राव का बहुत अच्छे से साथ दिया
और उससे खुश होके जो मिरज का जो ठिकाना है वो पटवर्धन परिवार को 1761 में एक इनाम के सरंजाम के तौर पे या हम बोल सकते हैं जागीर के तौर पे दिया गया। एंड ये इतना इम्पोर्टेंट मिरज का बाजार पेट एज जागीर मिलना वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर द फैमिली। उसके बाद और एक दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप पटवर्धन की जितनी भी रियासतें देखिए और उनका मैप देखिए तो एक आपको एक सी शेप रिवर्स सी शेप हम बोल सकते हैं उसमें दिखाई देगा। और इसका कारण ये था कि पेशवाओं का एक और राइवल था दक्षिण में जिसे वो डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते थे, वो था कोल्हापुर। जैसे सातारा और कोल्हापुर जो छत्रपति परिवार की जो दो रियासतें थी उनमें द ट्रीटी ऑफ वारणा हो गया था कि वो एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, बट जो पेशवा थे वो हमेशा कोल्हापुर को दबा के रखना चाहते थे। तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी क्या डिसाइड की कि हम जो भी जागीर पटवर्धन को देंगे इट विल बी ऑन द अराउंड कोल्हापुर स्टेट। तो कोल्हापुर के उत्तर में था सांगली मिरज, उसके ईस्ट में था कुरुंदवाड़ और उसके दक्षिण में था जवखंडी। तो ऐसे करके पूरा उन्होंने पटवर्धन को ठिकाने देकर एक हम बोल सकते हैं इनसर्कलमेंट ऑफ फोर्ट्स एंड यू नो फोर्टिफिकेशंस करके वो कोल्हापुर को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे। और उसके उसके कारण कोल्हापुर और पटवर्धन परिवार में काफी लड़ाइयां हुई। इनफैक्ट जो फेमस योद्धा थे परशुराम भाऊ पटवर्धन उनका निधन भी कोल्हापुर के साथ एक लड़ाई में ही हुआ था। बट समय के साथ क्या होने लगा कि जो अगले जो पेशवा थे स्पेशली बाजीराव द सेकेंड, उनको लगने लगा कि ये जो पटवर्धन है उनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और अंग्रेज भी थे, उनका भी अपना एक फायदा था बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि बड़ी ताकतवर रियासतें आए। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया कि ये जो अब देखिए जो भारतीय परिवार होते हैं उसमें आपसी झगड़े तो होते ही रहते हैं। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है HUF जो हम बोलते हैं हिंदू परिवार की प्रॉपर्टी, उसमें चाचा भतीजे हो गए भाई हो गए उनमें झगड़े तो होते ही रहते हैं। तो पेशवा ने और अंग्रेजों ने बहुत एनकरेज किया कि ज्यादा से ज्यादा झगड़े हो और डिविजन्स होते रहे। और फाइनली जो ट्रीटी ऑफ पंढरपुर है 1818 में, तो उसके तहत जो पटवर्धन की जो राज्य था उसे अलग अलग छोटे छोटे रियासतों में उन्होंने डिवाइड करना शुरू किया, ये कहने के लिए कि बिकॉज ये भाइयों ने मिलकर कमाया था तो सबको अपना अपना एक राज्य मिलना चाहिए। अब जो मेन डिविजन हुआ वो था मिरज, जो चिंतामणराव पटवर्धन द फर्स्ट थे जो जिन्हें सांगली राज परिवार का मूल संस्थापक कहा जा सकता है, उनका और उनके चाचा का झगड़ा हो गया। तो चिंतामणराव ने क्या किया, जो उनकी जो उनके जो कुल देव की मूर्ति थी गणपति, तो वो लेकर वो मिरज से 10 किलोमीटर दूर सांगली में बस गए और वहां पे उन्होंने जो दुर्ग बनाया गणेश दुर्ग जो आज भी है, वहां पे उन्होंने अपना महल बनवाया, गणपति का मंदिर बनवाया और अपना एक स्वतंत्र राज स्थापन किया। तो ये जो सांगली और मिरज का जो डिवीजन हुआ उसे ट्रीटी ऑफ पंढरपुर में उसको ऑफिशियलाइज किया गया। उसके बाद धीरे 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 करके फिर आगे कुरुंदवाड़ का रियासत बना, उसके बाद जमखंडी का रियासत बना, कातासगांव, फिर आगे चल के तो मिरज जो रियासत था उसके 4 टुकड़े हो गए, 1, 2, 3, 4 कुरुंदवाड़ के फिर से 2 टुकड़े हो गए। तो बहुत जो पटवर्धन का जो बहुत बड़ा एक राज था उस डिवाइड सब डिवाइड सब 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 डिवाइड होके ये छोटी छोटी रियासतें बन गई। और इनफैक्ट काफी जो रियासतें थी जैसे कि चिंचनी हो गया, तासगांव हो गया, कागवाड़ हो गया, ये सारी तो अंग्रेज निगल गए अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और बाय 1947 कुछ 5-6 रियासतें पटवर्धन की बची हुई थी। अब क्योंकि जो बाजीराव द सेकेंड थे पेशवा बाजीराव द सेकेंड उनकी और पटवर्धन परिवार की बनती नहीं थी, तो जब द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ पेशवा और अंग्रेजों के बीच में, तब पटवर्धन परिवार ने
अंग्रेजों का साथ दिया, मतलब साथ दिया मतलब वो न्यूट्रल रहे, मतलब जब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं की तो उसकी वजह से उनकी जो जागीर थी वो जब्त नहीं की गई, और अंग्रेजों ने उनके साथ ट्रीटी की कि आपकी जितनी भी जो जागीरें थी वो रियासतें बनेंगी एज द यू नो द स्टेट्स अंडर प्रिंसली स्टेट्स अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। तो उसके बाद जो सांगली जो है वो एक प्रिंसली स्टेट बना अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। और वैसे भी जो पेशवाशिप है वो 1818 में अबॉलिश हो गई, पेशवा बिठूर चले गए, जो पूना है वो अंग्रेजों के अंडर आ गया, तो पूना के समय वो पूरा राज खत्म हो गया। चिंतामण राव द फर्स्ट के बाद गद्दी पर आए द सेकेंड रूलर जो थे धुंडीराज तात्या साहेब। अब धुंडीराज तात्या साहेब जो थे वो पेट्रन थे अगेन संस्कृत के लर्निंग के, उन्होंने यहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस खोले, यहाँ पे एजुकेशन को प्रमोट किया, और इनफैक्ट उनके और अंग्रेजों के भी बहुत अच्छे संबंध थे। 1857 में जब रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ यहाँ पर, तब इनफैक्ट सातारा में भी हुआ था रिवोल्ट और कोल्हापुर में भी हुआ था 1857 का रिवोल्ट, तब जो सांगली की जो सेना है उन्होंने मदद की थी अंग्रेजों की सातारा डिस्ट्रिक्ट में भी और कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में भी। उसके बाद जो यहाँ पे रेलवे लाइन जो लाई गई वो उनके समय में लाई गई, पर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ये जो धुंडीराज तात्या साहेब है उनका अंग्रेजों को लगा कि उनका कार्यकाल इतना अच्छा नहीं है, तो काफी समय में स्टेट रीजेंसी के अंडर भी आया। धुंडीराज तात्या साहब के बाद जो अराउंड 1901 में सांगली के जो आखिरी राजा थे वो थे सर चिंतामण राव पटवर्धन। अब सर चिंतामण राव पटवर्धन का जो कार्यकाल था वो सांगली का गोल्डन एज था। उन्होंने यहाँ पे सांगली इंजीनियरिंग कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, साइंस कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, ये बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले, और इसकी वजह से सांगली एक एजुकेशन हब बना। वेरी इंपॉर्टेंटली इवन जो शुगर केन, आज सांगली जो है वो शुगर बेल्ट माना जाता है, यहाँ के किसान जो है वो गन्ने की खेती करते हैं, यहाँ पे शुगर फैक्ट्रीज हैं, तो उनके समय में यहाँ पर जो शुगर का कल्टिवेशन है उसे बहुत एनकरेज किया गया, यहाँ पे रास्ते मॉडर्न रोड्स बनाए गए और एयरफील्ड बनाया गया, और काफी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ। उन्होंने सर चिंतामण राव बहुत प्रोग्रेसिव थे, इनफैक्ट सर चिंतामण राव पटवर्धन ये एक समाज सुधारक भी थे, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी सरस्वती बाई वो सर मोरोपंत जोशी जो उस समय के बहुत बड़े समाज सुधारक थे उनकी बेटी थी, और चिंतामण राव ने कहा था कि मैं एक मतलब जब उनकी शादी का प्रपोजल आया था तब देर वॉज अ लॉट ऑफ अपोजिशन फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स, जो ऑर्थोडॉक्स तबका है, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण तबका है सांगली का उनसे, पर चिंतामण राव ने कहा था कि नहीं, मैं इसी प्रोग्रेसिव परिवार में शादी करूंगा, और अपने ससुर के इन्फ्लुएंस में उन्होंने बहुत जो समाज कार्य है उसका उन्होंने निर्माण किया। रानी सरस्वती बाई है वो बहुत हाईली एजुकेटेड थी, तो उसके कारण उन्होंने औरतों के लिए और विमेन्स एजुकेशन के लिए सांगली में बहुत काम किया, आप यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस हुए औरतों के लिए, और यू नो इमेजिन कीजिए उस समय ये बहुत बड़ी बात थी कि औरतों 1920s और 1930s में ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण औरतों को सीखना या किसी भी समाज की औरतों को स्कूल में जाना, हायर एजुकेशन, ये स्पेशली बिग बड़े शहरों के बाहर बहुत बड़ी बात होती थी। तो उनके टाइम पे ये कार्यकाल हुआ। जो 1935 में सर चिंतामण राव पटवर्धन है उन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव असेंबली की स्थापना की सांगली में, और ओवरऑल लोग उनसे बहुत खुश थे और एक बहुत अच्छा कार्यकाल था। सर चिंतामण राव पटवर्धन का ये भी था कि वो एक बहुत सिंपल राजा थे, उन्होंने कभी अपने बड़े बड़े महल नहीं बनाए, उनका एक स्वानंद भवन करके एक सिंपल महल था, उन्होंने जितना भी ज्यादातर पैसा है वो राज अपनी जनता के लिए उन्होंने खर्च किया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब सर चिंतामण राव ने सांगली रियासत
भारत में विलीन की। उसके साथ ही बाकी जो पटवर्धन की जो राज परिवार की जो रियासतें थी, जैसे कि मिराज, कुरुंदवाड़, जमखंडी, ये भी भारत में विलीन हो गए। उसके बाद जो सांगली राज परिवार है, उन्होंने अपना एक अलग आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की। आप जानते होंगे कि एक बहुत फेमस मूवी 1990s में आई थी, मैंने प्यार किया, तो उसकी जो मेन एक्ट्रेस थी वो थी भाग्यश्री। और जो भाग्यश्री जो है वो सांगली की राजकुमारी है, जो अभी के जो राजा है, राजा विजय सिंह पटवर्धन, उनकी वो बड़ी बेटी है। तो उसके बाद जैसे हम देखते हैं कि सांगली राज परिवार का जो रिश्ता है वो बॉलीवुड और इंडियन टेलीविजन और फिल्मों के प्रति काफी क्लोज रहा। और आज भी मतलब जो सांगली शहर है वो महाराष्ट्र के सबसे इम्पोर्टेंट शहरों में से है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है यहाँ का गणपति, जो मैंने आपको बताया पटवर्धन परिवार जब यहाँ पे सांगली में आया तब वो लेके आया था। और जो राज परिवार है वो आज भी है और यहाँ की जो कल्चरल ट्रेडिशंस है उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। तो ये थी कहानी सांगली रियासत।